व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक सभी कंप्लीट कर दिए थे, चाहे वो ड्यू डेट्स हो, चाहे वो नॉर्मल एंट्रीज हो, चाहे वो डिसऑनर के एंट्रीज हो, सभी कवर कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो चेक कर लो। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीपीटी मैं आज बना के आपको मंडे को उसका वीडियो दे दूंगा, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज तो वीडियो में कुछ ना कुछ मुझे आपको पढ़ाना ही था, तो मैंने कहा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चैप्टर्स आते हैं, विद एडजस्टमेंट्स एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स। तो पहले आज विदाउट एडजस्टमेंट्स के बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग को धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा विद एडजस्टमेंट्स की तरफ, और आपका ये चैप्टर भी जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो आइए जल्दी से कॉपी पेन ले आओ फटाफट, क्योंकि आज बहुत कुछ लिखवाना है। लेट्स बिगिन। तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ 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 साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब समझने की कोशिश करो बेटा जी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अकाउंटिंग को समझें, अपने बिजनेस को समझें कि हमारा बिजनेस सच में कैसा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हम लोग किसकी पढ़ते हैं क्लास 11th में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एक सिंगल ओनर होता है, ठीक है। तो एक सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें बनानी होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट करना, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में? नंबर वन, हमारे पास सबसे पहले होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस शीट। ये जितने भी नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ, साथ साथ बना रहे हो ना, इन्हें साथ साथ बना लिया करो, और बना के इमेज क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दिया करो, मैं तुम लोग को रीपोस्ट करूँगा, मुझे भी पता रहेगा कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, दो चीज़ें बनानी होती हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से आपको क्या पता चलता है सर? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि बिजनेस प्रॉफिट्स में है या नहीं है। मेनली यहाँ पे हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीजें बनानी है, एक तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। कई जगह ये अलग अलग बना देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट, अलग भी बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो। और एक होता है बैलेंस शीट, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारे को यहाँ पे जो प्रॉफिट्स मिलते हैं वो तीन तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तीनों क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट में हम दो चीजों के बारे में चीजें डिस्कस करते हैं, दो चीजें लिखते हैं, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज आप बैलेंस शीट में लिखते हो, ये आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पहले बनाई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के साथ। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट अलग चलेगा, पीएनएल अकाउंट अलग चलेगा, और वहां से आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे कि आपकी फर्म प्रॉफिट में है या नहीं है। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का एक फॉर्मेट है, पहले तो आप फॉर्मेट नोट कर लो आज, और फिर हम चीजें कैलकुलेट करके चलते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्दो ये दो अकाउंट्स हैं, बट जनरली हम इन्हें एक साथ ही बना के चलते हैं। आपके स्कूल्स में अगर अलग अलग बनाया तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, बट रूल्स एक ही हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, कि जितना भी आपके पास स्टॉक शुरू में है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लिख दो यहाँ पे। फिर जितना आपने सामान और खरीद लिया उसको यहाँ पे लिख देते हैं परचेजेस के नाम से, जितना भी आपने सामान साल के बीच में और खरीदा, ये पहले से है या आपने और खरीदा। अब जरूरी तो नहीं है कि आपने जितना भी सामान खरीदा आप सारा अपने पास रखोगे, हो सकता है कुछ डिफेक्टिव निकले, हो सकता है कुछ आपको पसंद ना आए तो आप वापस भी करोगे। तो जितना खरीदा है उसमें से जो वापस कर दिया वो माइनस कर दो, परचेज रिटर्न माइनस कर दो, तो आपके पास यहाँ पे नेट परचेजेस आ जाएंगी। इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये जो वैल्यू बाहर आता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं नेट परचेजेस।
कोई आपसे अगर पूछ ले कि नेट परचेजेस क्या होता है तो आप बोलोगे परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, ठीक है। कौन कौन से खर्चे आते हैं, अगर आप अपनी बुक में फॉर्मेट खोलोगे तो लाइन लगी होगी बहुत सारे खर्चों की, तो आपको बहुत सारे खर्चे नहीं लिखने हैं, मुझे आपको पूरा फॉर्मेट याद नहीं कराना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बस चार चीज़ें याद रखना, उन चार चीज़ों से रिलेटेड खर्चे आप यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले कोई खर्चा परचेज का अगर लिखा है, परचेज का क्या मतलब होता है, परचेज का मतलब कि ऐसे लिखा है एक्सपेंस ऑन परचेज या फिर कैरेज ऑन परचेज, ऐसा परचेज वर्ड यूज हो परचेज का खर्चा तो उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन का मतलब ऐसा लिखा हुआ हो कि हमने कुछ सामान प्रोड्यूस करा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में ही होगा ना भाई, जब आप सामान बनाओगे तो फैक्ट्री में बनाओगे, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आ रही है तो वो भी यहां पे आ जाती है। तो परचेज हो, प्रोडक्शन हो, या फिर लिखा हो हमारे पास इनवर्ड, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इस तरीके से कोई वर्ड यूज हुआ हो तो वो, तो परचेज हो, प्रोडक्शन हो, इनवर्ड हो या फिर फैक्ट्री हो। फैक्ट्री के लिए जैसे फ्यूल वर्ड यूज हुआ है, फ्यूल कहाँ यूज होगा फैक्ट्री में, कोल गैस पावर यूज हुआ है तो कोल गैस पावर भी फैक्ट्री में, तो चार चीजें याद रख लेना बस, इन चारों से रिलेटेड। मैं अभी आपको जो आपकी बुक्स पे फॉर्मेट दिया है वो भी दिखाऊंगा पूरा, बट इन चारों से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, उसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इधर क्या क्या लिखना है, इधर सबसे पहले सेल्स, जितने का आपका माल बिका, देखो यहाँ पे हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो खर्चे वाली चीज़ें थी, माल खरीदा और खर्चे हुए, इधर जो बिक गया कमाई वाली चीज़ें जिसमें फ़ायदा हो रहा है। अब देखो जैसे आप सामान खरीदते हो आपको अच्छा नहीं लगता, वापस करते हो, जब सामान बेचोगे हो सकता है कस्टमर को भी अच्छा ना लगे, वो भी तो वापस करेगा ना, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न भी माइनस कर देना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, अमाउंट बाहर। फिर जो आपके पास लास्ट में सामान बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी यहाँ लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेज ज़्यादा था, वैसे ही ये सेल माइनस सेल्स रिटर्न भी क्या होता है, ये जो वैल्यू आया है ये क्या होता है, नेट सेल्स, इन्हें हम नेट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेट सेल्स से सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब सपोज करो कि ये आपकी जो कमाई हुई है, देखो जो माल बिका और जो लास्ट में बच गया, ये टोटल लेट सपोज आपका 2 लाख रुपीस का आ रहा है, सपोज ये कितने का आ रहा है आपका 2 लाख रुपीस का, और ये जो खर्चे हैं सारे, ये जो सारे खर्चे आए ये तीनों एक्सपेंस मिला के आ गए, जिसमें इंक्लूडिंग परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आ गए 80,000 रुपीस के। तो अब कमाई कितनी हुई 2 लाख और खर्चे कितने के हैं 80,000 रुपीस के, तो क्या मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ये कमाई ये खर्चा, 2 लाख रुपए कमाए 80,000 के खर्चे हुए, प्रॉफिट में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉफिट आता है आपके पास, इसको क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसको सीडी यूज करना, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे टोटल हो जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करा, यहाँ का टोटल करा, इसमें से ये सब खर्चे माइनस करे, अगर वैल्यू इधर आ गया, इस तरफ आ गया, देखो इधर 2 लाख इधर 80, ये बैलेंस आया ना, ये किसमें आता है बैलेंस में, इसका हम बैलेंस निकालते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस। तो ये बेटा जी आपके पास हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाता है, सर क्या बैलेंस इधर भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है खर्चे ज्यादा हो जाए, इधर 2 लाख इधर 220, तो बैलेंस इधर आ जाएगा ना, 2 लाख कमा रहा हूं, 220 का खर्चा हो रहा है, फिर आ गया लॉस, उसको कैसे दिखाता हूं, उसको दिखाता हूँ ग्रॉस लॉस के नाम से, ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। तो अब दोनों तो नहीं आ सकते, या बैलेंस इधर आएगा या इधर आएगा, है ना, अगर ये वाली साइड ज्यादा हुई तो बैलेंस इधर आ जाएगा, ये वाली साइड ज्यादा हुई तो बैलेंस इधर आ जाएगा, इधर आया तो प्रॉफिट बोलना, इधर आया तो लॉस बोलना, ठीक है। यहां तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म हो जाता है, ये पूरा, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, नोट डाउन करके चलना, आज मुझे बेसिक्स ही सिखाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जहां खत्म होता है, जहां ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है वहां से पीएनएल अकाउंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अब हमारा कौन सा अकाउंट शुरू होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे शुरू होगा, ये जो प्रॉफिट आया इसको नीचे ले आओ, इसको इधर ले आओ, ब्रॉड डाउन कर लो, इधर आ जाता है बाय जीपी ब्रॉड डाउन, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यहां ले आओ, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हो गया। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद यहां डेबिट में वो खर्चे लिखने हैं जो आपने अभी तक कहीं नहीं लिखे,
उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जैसे सेल का खर्चा, ऊपर परचेज का आया था सेल का खर्चा, उसके बाद ऑफिस में और बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इतनी सारी चीज़ें बच जाती हैं। बिजनेस में तो और भी बहुत कुछ होता है ना, तो वो सारे के सारे खर्चे यहाँ आ जाते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, ये सब देने हैं, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, कमीशन देना है, उसके अलावा आपको और भी बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बैड डेट्स हो जाते हैं और कई सारे, डिस्काउंट अलाउ करा आपने, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सब यहाँ आ जाएंगे। तो जो भी ऊपर नहीं आए थे, ऊपर तो बस चार ही चीज़ें आनी थी, या फैक्ट्री का हो, या प्रोडक्शन का हो, या इनवर्ड हो, या परचेज का खर्चा हो, तो ऊपर तो बस यही आ रहे थे, बाकी जितने भी बच जाते हैं सब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इधर आती है फिर हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स, इनकम का मतलब सर देखो ऊपर तो कोई इनकम आई नहीं थी, बस सेल आई थी, यहां पे कौन कौन सी इनकम, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, लॉस ऑन सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कुछ ऐसा चीजें जो इनकम है वो इधर इनडायरेक्ट इनकम आ गई। अब देखो सपोज आपका ये 80,000 का जो प्रॉफिट है, 80,000 का तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 20 की आपको और इनकम हो गई, 80 का आपको प्रॉफिट आ गया था यही वाला, ये मैंने एज्यूम किया था ना, नहीं 2 लाख का इधर सेल थी, 80 के हमारे खर्चे थे, तो 120 का प्रॉफिट आया था, 1,20,000 का प्रॉफिट आया था, 120 ये हो गया, 80 के सपोज और इनकम हो गई, तो 2 लाख फिर से यहाँ पे बन गया, है ना। देखो यहाँ पे हमने लिखी थी कि 2 लाख का सेल हुआ था और खर्चे हुए थे यहाँ पे 80 के, तो मैंने एज्यूम किया था वैसे ही कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कितना है, 1,20,000। ठीक है, तो यही तो नीचे आता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आएगी 120, और सपोज आपकी जो इनकम है वो है 1 लाख रुपीस की, सपोज वैसे ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ फिर से, 1 लाख की आपकी इनकम्स हो गई, तो 120 प्लस 1 लाख कितना हुआ, 120 प्लस 1 लाख हो गया हमारे पास 220, 220 की टोटल इनकम हो गई। इसमें से ये खर्चे हटा दो, ये खर्चे हैं सपोज 70,000 रुपीस के, सपोज वैसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, ये खर्चे कितने ले लिए मैंने 70,000। अब अगर 220 की इनकम और 70 के खर्चे, तो 150 का फिर से प्रॉफिट आ गया, नहीं आ गया, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अभी तो क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा, फिलहाल फॉर्मेट समझ के चलो, ग्रॉस प्रॉफिट आया, इधर सारी इनकम्स, फिर इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पे नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर सर बैलेंस इधर आ जाए तो उसको नेट लॉस बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा P&L होता है, P&L छोटा सा बना देखा, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो P&L बहुत बड़ा बना होगा, बहुत सारे खर्चे लिखे होंगे, अरे जो ट्रेडिंग में आने वाले हैं 4 बस वो याद रखो, बाकी सब P&L में ही आते हैं। तो ये आपका ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट होता है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट डाउन कर लो, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एंड P&L कैसे बनता है। ओके, तो ये हमें पहली चीज पता चली कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। अब बैलेंस शीट क्या होता है सर, जल्दी से फटाफट से एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहां पे लिखूंगा मैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी दो तरीके से बनाई जा सकती है, एक होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब क्या होता है ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस और क्या होता है ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन सबको हम अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एक नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, फिर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर आता है हमारे पास लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, एसेट्स में आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखने हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं सर, करंट एसेट्स वो होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर जिनका हमें बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक बैलेंस, जैसे कि डेटर, जैसे कि स्टॉक। तो पहले आपको करंट एसेट्स लिख देने, फिर लिखने हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट लिख दिए पहले आपने,
फिर आपको लिखने हैं नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट सर कौन कौन से? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर एट्सेट्रा. ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलता है, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हो गए. ठीक है, लाइबिलिटीज़ में भी क्या करना है? सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी लिखनी है? करंट लाइबिलिटी. सर करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है? जिनका पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना होता है, जैसे क्रेडिटर, जैसे बिल्स पेबल, है ना, क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट. ये आपकी वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनका पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है. ये बेसिक टर्म्स में पढ़ाया है मैंने आपको, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी पता होना चाहिए. और देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़. सर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनका पेमेंट एक साल के बाद होता है, जैसे बैंक लोन, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, या फिर डिबेंचर. डिबेंचर होता है अगर पब्लिक से लोन लिया हो. बैंक से लिया है तो बैंक लोन, जनता से लिया है तो डिबेंचर. उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल. कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों आता है भाई? कैपिटल भी तो ऑनर से बोरो ही कराया फर्म ने. जब फर्म बंद होगी तो ऑनर को वापस देंगे ना. तो कैपिटल पहले इनर कॉलम में लिखना. अगर कोई ड्रॉइंग्स हैं तो यहाँ से माइनस करना. ड्रॉइंग्स का मतलब जो ऑनर पर्सनल अपना घर ले जाता है पैसा कैपिटल में से निकाल के. जो नेट प्रॉफिट आपका आया वो यहाँ पे प्लस करना. सर कौन सा नेट प्रॉफिट? ये वाला, ये जो पी एंड एल में नेट प्रॉफिट आया था ना, इसको यहाँ पे प्लस करना. और अगर सर नेट लॉस आ गया तो माइनस कर देना. इन दोनों में से एक ही आएगा. इन दोनों में से नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस आएगा, फिर जो अमाउंट होगी उसको बाहर लिख देना. फिर ये टोटल कर देना. बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो हमेशा मैच होता है. जो वैल्यू इधर है वो वैल्यू इधर है, इसमें कोई बैलेंस नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट बनाओ. आज मैं आप लोगों को सिर्फ नोट्स ही लिखवा रहा हूँ सारे के सारे. इसके क्वेश्चंस जैसे जैसे कराऊंगा क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करना. ठीक है, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो, जल्दी से नोट करो. इंपॉर्टेंट नोट्स. नंबर वन, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. पहली चीज याद रखेंगे, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है. अकाउंट नहीं है तो उसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, बस लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट. ठीक है. नंबर टू, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल इज प्रिपेयर्ड फॉर वन ईयर. ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट जो है वो पूरे एक साल के बनते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग जो भी साल हो. बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. इसका मतलब बैलेंस शीट ऐसे नहीं होती कि पूरे साल की बन रही है. बैलेंस शीट होती है बस आज की क्या पोजिशन है. ठीक है, तो मतलब अगर मैं बैलेंस शीट में टर्म यूज करता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021. एज एट का मतलब आज की ये पोजिशन है, पूरे साल की बात नहीं कर रहे होते. लेकिन जब हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर, पूरे साल का, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021. इसमें इधर क्रेडिट और इधर डेबिट, क्योंकि ये एक अकाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट आता है, बट बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होती, एक स्टेटमेंट है. तो उसमें बस एज एट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता. ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज होंगे आपके अभी चैप्टर में, तो लिख लेना. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये क्या होता है सब डिस्कस करूंगा. ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये फॉर्मूला आप लोग प्लीज फुल फॉर्म्स लिखना. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं. नंबर पांच, अच्छा इसका एक फॉर्मूला और होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये भी सीओजीएस का ही फॉर्मूला होता है, सीओजीएस इसको बोलते हैं. नंबर फाइव, ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने यहीं से सीओजीएस का फॉर्मूला लिखवाया था, सेल्स माइनस जीपी. ठीक है, सेल्स माइनस सीओजीएस ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, नोट करके चलना अभी फिलहाल आप. नंबर सिक्स, नंबर सिक्स क्या है हमारे पास? एडजस्टेड परचेजेस. कई बार एग्जाम में आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा, तो
एडजस्टेड परचेजेस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं. तो गाइज मैंने आज आप लोगों को सारे बेसिक्स बनवाए हैं, उम्मीद है ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा. सारे के सारे बेसिक्स मैंने आप लोगों को आज करा दिए. ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट करा दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करा दिया. इसके बाद इसको कैसे कराना है, कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आज की क्लास में बस मुझे इतना ही समझाना था, आपके बेसिक्स करवाने थे. उम्मीद है आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे और आपके सभी बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे. आगे की चीज़ें हम लोग करते हैं अगली क्लास में. टिल देन इसको अच्छे से करो. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस भी करा दूंगा तुम लोग को और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे. दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच.